नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रजा सिंह। हर साल 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। वो गौरैया जो पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कीट पतंग टिड्डियों को खाकर हमारे फल फूल सब्जी और फसलों की रक्षा कर मानव जीवन संरक्षित करने का काम करती है। पर इस गौरैया के लिए क्या हम केवल अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें आगे आना होगा, इनके संरक्षण और पोषण को देखते हुए कदम उठाना होगा। ऐसा ही एक कदम देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी यानी लखनऊ के बसेरा विहार कल्याणपुर के रहने वाले अब्दुल वहीद ने उठाया है, जिन्होंने प्रदेश के पहले गौरैया संरक्षण केंद्र खोला है, जिसमें उन्होंने सैकड़ों गौरैया के संरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उन्हीं गौरैया प्रेमी और संरक्षक अब्दुल वहीद से खास बातचीत की। तमाम लोग होते हैं जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, जानवरों के लिए काम करते हैं, पक्षियों के लिए काम करते हैं और समाज को नहीं दिशा देते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी प्रयास है रहता है कि हम उन लोगों जो बेजुबान हैं, जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनको प्रेम दें, उनको खाना दें, उनको पानी दें और उनको पोषण दें, क्योंकि लगातार बढ़ती आबादी के बीच में लोग अपने धर्म को भूल चुके हैं, मानवता को भूल चुके हैं। और ऐसे ही एक गौरैया के संरक्षक जो गौरैया संरक्षण केंद्र चला रहे हैं, 2016 से अब्दुल वहीद जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे इस मुहिम के बारे में, किस तरह चलाते हैं और गौरैया को संरक्षण करने के माध्यम से वो समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं और पर्यावरण को कैसे यहाँ पर सुरक्षित करते नज़र आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? सर, हमने 2016 में मैं अपने गार्डन में टहल रहा था तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि एक गौरैया करीब 12-1 बजे आती है और वो अपना दम तोड़ देती है। जब तक हम पानी लेकर पहुँचते हैं तब तक वो अपना दम तोड़ देती है। इससे प्रेरित होकर मैंने कहा कि अब मुझे गौरैया को बचाना है, पंछियों को, तो मैंने जो है अपने मकान का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो गौरैया संरक्षण केंद्र बना दिया है, जिसमें पंछियों को के लिए हमेशा दाना पानी और घोंसलों की व्यवस्था बना दी है और पर्यावरण के लिए सब उसमें मैंने पेड़ पौधे सब कुछ लगा दिए हैं, रहने का उचित प्रदान और प्रतिदिन जो है वो हमारे यहाँ गौरैया को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है और प्रतिदिन जो है हमारे यहाँ वो उसको सुबह शाम दोपहर फीडिंग भोजन मिलता है। भोजन में है काकुन है, बाजरा है, धान की किनकी है, फल है, ये हम पंछियों को प्रोवाइड कराते हैं। सुबह भोर में जो है इतनी ज़्यादा संख्या में पंछियों के अलावा पंछियाँ जैसे गौरैया के अलावा मुनिया हैं, लाल हैं, आपको तोते हैं, कबूतर हैं, फाख्ता हैं, बुलबुल हैं, इतनी ज़्यादा पंछी हमारे यहाँ सुबह भोर में आ जाते हैं कि हम समझ जाते हैं कि अब हमारे भोजन इनके अवेलेबल नहीं है। मैं फौरन जाके फौरन भोजन लेके जाता हूँ, उनका दाने वो सब पूरे फीडिंग करता हूँ, तब वो लोग अपना खाने पीने खा के और पानी पी के और जो नहाना चाहती हैं वो फ्रेश पानी में नहाती हैं, नहा के उसके बाद ये अपना चली जाती हैं। जो फीडिंग करने वाली गौरैया होती हैं वो हमारे घोंसलों में रह जाती हैं, ये साल में 3 बार फीडिंग करती हैं और वो बच्चों को जो है वो फीडिंग करा के वो अपना परिवार हज़ारों की संख्या में हर साल परिवार गौरैया का बढ़ जाता है। गौरैया जो है वो कीट पंछी बच्ची होती हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है वो लार्वा खाती हैं, टिड्डियों का लार्वा खाती हैं। ये जैसे टिड्डियों का लार्वा पैदा होते हैं वैसे ये लोग एयर में गौरैया खा जाती हैं। अगर गौरैया नहीं होंगी पूरे विश्व में तो होने का ये है कि आने वाले फसल में टिड्डियाँ अटैक कर जाएंगी और हम लोगों को जो है दाना पानी और हम लोगों को अनाज नहीं मिल सकता है। अगर गौरैया को नहीं बचाया गया तो आने वाले वक्त में जो है वो हम लोगों को भोजन की बड़ी बड़ी समस्या आ जाएगी। आज हमारे भारत की जो आबादी है वो चाइना से ज़्यादा हो गई है, इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको जो है आबादी पे बहुत खासकर जनसंख्या पे ध्यान देना चाहिए। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तो हम लोगों का जो है वो बहुत समस्या पब्लिक को हो जाएगी और हम चाहते हैं जनसंख्या पे थोड़ा सा सरकार ध्यान दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि आज बढ़ती शहरीकरण ने जो है वो
पंछियों का रहना बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि जो तालाब पाट के सब प्लाटिंग कर दी गई है, पेड़ काट के सब प्लाटिंग कर दी गई है, इससे पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका कारण सब सिर्फ बढ़ती जनसंख्या है। तो सवाल रहेगा भाई साहब, अब मैं गौरैया की बात की, बड़ी संख्या में आते हैं, तोते भी आते हैं, बेजवान होते हैं, कोई रिश्ता नहीं होता है, तब भी एक रिश्ता इंसान के साथ बन जाता है, कैसा महसूस करते हैं, क्या रिश्ता आपका उनके साथ है कि आपके केंद्र में भी आते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं? अमूनन जो पक्षी होते हैं ये मानव जाति डरते बहुत हैं, कि जैसे ही कोई इंसान वहाँ जाता है तो एकदम से उड़ जाते हैं, पर आपके साथ लगाओ आपको क्या महसूस होता है? सर, बेजुबान पंछियों की मदद करना, इससे बढ़ के दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। आज अगर आप बेजुबानों की आप मदद कर रहे हैं, इससे बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। अगर मेरी सरकार मदद करे तो मैं पूरे भारत में जिसको फैलाना चाहता हूँ और हम बेजुबानों की रक्षा करना चाहता हूँ, और हम उम्मीद करेंगे सरकार की अगर हमारी मदद करती है तो विश्व स्तर पर ये गौरैया संरक्षण केंद्र खोले ताकि मैं उसमें काम कर सकूँ और पंछियों को बचा सकूं और बेजुबान जानवरों को बचा सकूं। मदद की दरकार है, अभी तक सरकारी कोई मदद आपको मिली है कि अपने स्तर पे ही कर रहे हैं? सर, अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है, हमारी खाली मीडिया हमारा सपोर्ट करता है, और मीडिया का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। कम से कम मीडिया हमको बहुत बड़ा, हर मीडिया हमको, हर चैनल हमको हर साल जो है वो गौरैया संरक्षण के का 20 मार्च को हमेशा गौरैया विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, उस उपलक्ष में हमको जो है जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने पत्रकार चैनल वाले हैं, टीवी चैनल वाले हैं, वो हमको आके धन्यवाद देते हैं और मेरा इंटरव्यू लेते हैं, इसका मैं बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूं उनसे। सरकार से क्या अपील रहेगी? सर, सरकार से तो मेरी यही अपील रहेगी कि अगर हमारी सरकार सहयोग करती है तो उसको पूरे भारत में हम फैलाना चाहते हैं और हर जगह जो है हम पंछियों को बचाना चाहते हैं, ताकि हमारे पंछी अगर रहेंगे तो हमारी फसलें बच जाएंगी। हमारा जो है ये पंछी कीट भक्षी होते हैं, और ये जैसे सबसे जो खतरनाक कीट है वो टिड्डी है, टिड्डी अगर अटैक कर देगी तो हम लोगों को जो है वो खाना पानी दाना नहीं मिल पाएगा। इसकी चिंता को जो है सरकार को सोचना चाहिए और पंछियों को बहुत बहुत बचाना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे सर अब्दुल वहीद, जो कि गौरैया संरक्षक हैं। इनका कहना है कि सरकार से अभी हमें कोई मदद नहीं मिली है, अपने स्तर पर ही अपनी व्यवस्थाओं पर हम यहाँ पर गौरैयों का संरक्षण कर रहे हैं, तोतों का संरक्षण कर रहे हैं, और जो छोटी प्रजाति की जो पक्षी हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनको फीडिंग कराते हैं, भोजन पानी देते हैं और उनको पोषण देते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी मुहिम है, इनका कहना है कि अगर सरकारी मदद हमको मिलेगी तो इस अभियान को हम अपने देश पे बड़े स्तर पे कर सकते हैं, हमको भी यहाँ पर काम करने का मौका दिया जाए और कम से कम पर्यावरण की दृष्टि से गौरैया को जो बचाने की मुहिम ने शुरू की है इसको व्यापक पैमाने पे करने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अगर गौरैया बचेगी, चिड़िया बचेगी, पंछी बचेंगे, तभी मानव समाज बचेगा और तभी मानव समाज सुरक्षित रह सकेगा। इस मुहिम में आगे कितना बढ़ते हैं वो समय बताएगा, पर इनकी नीयत साफ है और एक बार उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि अगर सरकार मदद करेगी तो इस मुहिम को ये बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे और गौरैयों को बचाने का जो आंदोलन अब्दुल वहीद ने राजधानी लखनऊ शुरू किया है ये देश के कोने कोने में जा सकेगा। क्या पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीनियर भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।